Welcome everyone. So, since we are doing geography class 9, we have completed two chapters in sequence. Chapter number 1, India size and location, जहाँ पर हमने स्पेसिफिकली हमारी कंट्री के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करा था. वेयर आर कंट्री इज लोकेटेड, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन. हमारी कंट्री की जो सेंट्रल लोकेशन है उसकी क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है. आफ्टर दैट वी केम टू चैप्टर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम थोड़ा सा और डीप में हमने हमारी कंट्री को समझने की कोशिश करी थी. फर्स्ट चैप्टर में तो हमने बेसिकली ये देखा था कि हमारी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन इसके नेबर्स हैं. जस्ट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं हमारी कंट्री के बारे में. फिर हम धीरे धीरे सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने और डिटेल में उसे पढ़ना स्टार्ट करा, जहाँ पर हमने देखा क्या क्या फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं एंड वॉट आर द यूनिक और वी कैन से द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन. सिक्स फिजियोग्राफिक डिविजन थे. हर फिजियोग्राफिक डिविजन का हमने कुछ ना कुछ स्पेसिफिक आस्पेक्ट, स्पेसिफिक फीचर देखा था, है ना. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड, जब हमने पूरी फिजियोग्राफी समझ ली है तो अब हम हमारी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. बिकॉज अब आपको पता है कि हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, राइट. आपको पता है कि पेनिनसुलर प्लेटो जो रीजन है वो फॉर्म कैसे हुआ है. सो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया. बिकॉज आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट द मेजर रिवर सिस्टम्स. एंड यू नो कि आपका जो हिमालयन माउंटेन्स है वो आपका सोर्स ऑफ वाटर है. इट इज द बेसिकली एक ऐसा सोर्स जहाँ से आपकी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वाटर लेकर के आती हैं अपने साथ में. सो दैट इज वाई आप ये देखेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम मेजर आपके रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे वो क्लियरली समझ में आएंगे. एंड इसी वजह से क्लास 9 एनसीईआरटी का जो सिलेबस डिजाइंड करा गया है वो इसी पैटर्न से डिजाइन है. पहले आपको अपनी कंट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, ठीक है. स्पेसिफिकली पूरी लोकेशन कैसी है, क्या इसकी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं. देन हम उसकी और डिटेल्स में गए. जब हम उसकी और फर्दर डिटेल्स की स्टडी करी तो हम फिजियोग्राफी पर आ गए, फिजिकल फीचर्स की स्टडी करी. नाउ इन दिस चैप्टर नंबर 3 वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ड्रेनेज ऑफ आर कंट्री. हम इस चैप्टर में हमारी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ठीक है. एज वी ऑल डू, हमेशा अपन यही करते हैं कि सबसे पहले वी अंडरस्टैंड द जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट रीशेयर माई स्क्रीन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम हमारे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को तो हम टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, राइट. वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. अब आपके चैप्टर का नेम ड्रेनेज है तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना. सिमिलरली अगर आपको याद हो, जब हम आपका फिजियोग्राफिक डिविजन वाला चैप्टर कर रहे थे, जहां पर हम फिजियोग्राफी की स्टडी कर रहे थे, बेसिकली उस चैप्टर के अंदर हमने पेनिनसुलर प्लेटो फिजियोग्राफिक डिविजन किया था, ठीक है. एंड इन दैट वी अंडरस्टूड कि किस तरीके से वर्ड पेनिनसुला का क्या मीनिंग है, वर्ड प्लेटो का क्या मीनिंग है. सिमिलरली आज हम ये ड्रेनेज पढ़ने वाले हैं तो ड्रेनेज वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है. ओके, सो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन करेंगे, चैप्टर ओपन करेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी लाइन. प्लीज हैव अ फोकस इन योर बुक्स. आप अपनी अपनी बुक्स में देखें. सो वी बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग द टर्म ड्रेनेज. द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उस पूरे रिवर सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं
तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज ड्रेनेज, क्लियर. सो किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है, जहां से आपके रिवर्स निकल के आ रही है, देर आर एरियाज. जैसे अगर आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस मैप में, देखिए से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हम गंगा रिवर की बात करें, ये जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर इतने बड़े लैंड पूरे एरिया को कवर करती है. और देखो कहाँ तक ये जा रही है, यहाँ से जाकर के ये पूरा यहाँ अपना डेल्टा बना करके और फिर बे ऑफ बंगाल में फाइनली एंड हो जाती है, ठीक है. अल्टीमेटली सी में ही गिरेगी रिवर से जा करके. तो देखो कितना लंबा है इसने अपना रास्ता तय कर रखा है, कहाँ कहाँ से ये ऊपर से आ रही है, ठीक है. सी अगेन, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका? हिमालयन माउंटेन रेंज से हो रहा है, राइट. तो ये जो पूरा रिवर सिस्टम है, अब बीच बीच में आप देखेंगे कि गंगा रिवर की आपको जो है ट्रिब्यूटरीज दिखाई देगी. आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी घग्गर रिवर हो गई, ये गंडक रिवर है, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है. सोन हो गई, कोसी हो गई, एंड फाइनली सारी की सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो इस मेन स्ट्रीम गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है. तो ये क्या हुआ आपका, पूरा का पूरा ड्रेनेज हुआ, ड्रेनेज के अंदर, ठीक है. व्हाट यू विल बी कॉलिंग इट एज? यू विल बी कॉलिंग इट एज ड्रेनेज, ठीक है. क्या बोलेंगे इस पूरे सिस्टम को? ड्रेनेज बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर ही आपको एक स्पेसिफिकली एक रिवर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे आइए. लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, दे कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean. तो ये तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ मैप में देखें तो ये आपको पता है कि कितनी सारी रिवर हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडस रिवर देखते हैं, तो इंडस रिवर देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो गया, और इसकी कितनी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज है ना. इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपको पता है कौन कौन सी है? यू हैव झेलम, यू हैव चेनाब, यू हैव रावी, ठीक है, सतलज रिवर, एंड ऑल्सो यू हैव दिस ब्यास रिवर, ठीक है, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब. ये सारी क्या है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज. तो देखो एक मेन रिवर होती है, उस मेन रिवर को ही सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि कहाँ जाकर के गिरती है. आप ये देखेंगे तो ये अरेबियन सी में गिर जाएंगी जाकर, है ना. कहाँ गिर रही है इंडस रिवर? देखो यहाँ ये एंड होगी, बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं फिनिश रिवर. सिमिलरली अगर आप गंगा रिवर देखो, तो गंगा रिवर भी अपनी सारी ट्रिब्यूटरीज को, सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, घग्गर, गंडक, कोसी, सन, सोन रिवर, गंगा, ठीक है, ये अल्टीमेटली गंगा रिवर को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और सारे के सारे ड्रेन कर जाते हैं. या तो ये किसी लेक में गिरते हैं या फिर ये कोई सी में फॉल करें, ठीक है. अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन होता है एक रिवर का, उसके ओरिजिन से लेकर के उसके बिल्कुल एंड होने का, वो एक सी होता है ना. ओरिजिन तो आपके माउंटेन से ही होगी, बिकॉज हिमालय आपके सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ, वहाँ पे स्नो कैप है, पूरे टाइम वहाँ बर्फ रहती है, दैट इज वाई वहाँ से रिवर्स आती है, आइस मेल्ट होती है और उसमें पानी आ जाता है रिवर्स में. एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि रिवर जो है वो अल्टीमेट जाकर के कहाँ गिरती है? सी में गिरती है, इट एक्चुअली एंड्स ओवर हियर, है ना. ऑल राइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ड्रेनेज किसे बोलते हैं. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से यू मस्ट बी क्लियर कि हम ड्रेनेज किसे बोलते हैं. वी आर जस्ट डूइंग द इंट्रोडक्शन, बहुत बेसिक बेसिक कर रहे हैं. आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देन वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज योर ड्रेनेज बेसिन. अब हम ड्रेनेज बेसिन किसको बोलेंगे, ठीक है, ड्रेनेज बेसिन किसे बोला जाएगा? हमने अभी वर्ड ड्रेनेज पढ़ा, ड्रेनेज बेसिन किसको बोलेंगे वो देखना है. तो देखिए, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन. यानी कि कोई एक रिवर अगर पूरे के पूरे एरिया को ड्रेन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन. फॉर एग्जाम्पल आप मैप में देखिए, ये गंगा रिवर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक गंगा रिवर ही आपको दिख रही है, गंगा रिवर के अलावा आपको कोई रिवर नहीं दिखेगी, है ना. मेजरली अगर आप देखोगे तो इतना लंबा आप देखो गंगा रिवर, इतना लेंथ गंगा रिवर कवर कर रही है, इतना लैंड मास कवर कर रही है. तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन ऑफ सिंगल रिवर, दैट इज गंगा बेसिन.
इसको आप क्या बोल देंगे, गंगा बेसिन बोल देंगे। क्यों बोलेंगे गंगा बेसिन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिवर के द्वारा ड्रेन करा जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा पीस ऑफ लैंड मास है, ये जो पूरा आपका ऊपर का जो नदन प्लेन वाला रीजन है, दिस इज योर नदन प्लेन रीजन, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रिवर ड्रेन कर रही है। दैट इज वाई इसको हम बोल देंगे गंगा बेसिन। अगर आप देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो यहाँ आपको मेजरली ब्रह्मपुत्र रिवर ही दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको एक मेजर रिवर दिख रही है, दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। सिंगल रिवर है, मेजर रिवर है, इस पूरे एरिया को ये ड्रेन कर रही है। दैट इज वाई हम इसको बोल देंगे द ड्रेनेज बेसिन ऑफ ब्रह्मपुत्रा, या फिर ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, अंडरस्टूड। या तो गंगा बेसिन हो जाएगा या तो ब्रह्मपुत्र बेसिन हो जाएगा। यहां से अगर आप देखते हो तो ये इंडस रिवर, ये एक सिंगल रिवर है, मेजरली सिर्फ और सिर्फ ये इंडस रिवर है। और ये देखो आपकी इंडस रिवर कहाँ से कहाँ तक आ रही है। ठीक है, सो ये इंडस रिवर जो है, इसकी ये सारी की सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। पर सिंगल रिवर जो है, जो मेन रिवर है, वो आपकी इंडस रिवर है, ये तो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो, है ना। तो एक ही रिवर इस पूरे के पूरे एरिया को ड्रेन कर रही है, और जो मेजर रिवर इस पूरे एरिया को ड्रेन कर रही है, वो एक सिंगल रिवर है। दैट इज वाई आप इसको बोल देंगे इंडस बेसिन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, इंडस बेसिन। समझ में आई बात? सो ड्रेनेज बेसिन बेसिकली एक ऐसा एरिया होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ में उस पूरे एरिया को ड्रेन करेगी, और वो पूरा एरिया जो है उस रिवर के नाम पर एक कंप्लीट बेसिन कहलाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, इंडस बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, या फिर गंगा बेसिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी कम, देखो नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट द टू ड्रेनेज बेसिन। सच एन अपलैंड इज नोन एज वॉटर डिवाइड। तो वॉटर डिवाइड देखो क्या होता है, वॉटर डिवाइड बेसिकली एक ऐसा एलिवेटेड एरिया होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड रीजन होगा जो कि आपके एक डिवाइड क्रिएट करेगा दो बेसिन के बीच में। ठीक है, अगर ये आपका बेसिन वन है और अगर आपका बेसिन नंबर टू है, तो इन दोनों के बीच में एक डिवाइड क्रिएट होगा। एक अपलिफ्टेड एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, आप कह सकते हैं कि माउंटेन भी हो सकता है, अपलैंड भी हो सकता है, और ये दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में डिवाइड क्रिएट करता है। इट विल बी क्रिएट ए डिवाइड एक्चुअली बिटवीन द टू ड्रेनेज बेसिन। अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का, इस मैप, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखो, ये पूरा स्ट्रीम ए, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका गंगा का ड्रेनेज बेसिन है, और ये स्ट्रीम बी यानी कि आपका इंडस का बेसिन है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा गंगा बेसिन है, ये यहीं तक ही सीमित रहेगा। फिर इंडस रिवर का बेसिन भी आपको यहीं तक भी है, और इन दोनों के बीच में एक अपलिफ्टेड लैंड है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, जिससे कि जो इंडस की रिवर है, या जो इंडस रिवर है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, वो उसी एरिया तक रहे, वो इस एरिया तक नहीं जाए, वो इस बेसिन को क्रॉस नहीं करे। ठीक है, अगर ये इंडस रिवर वाला है, ये इंडस रिवर वाला बेसिन है, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी सिर्फ इसी एरिया तक रहे। अगर बारिश आए तो वो सिर्फ इंडस रिवर के बेसिन में ही है, उधर नहीं है, और अगर इधर आती है, दैट मीन्स कि क्रॉस नहीं करे। तो ये एक अपलैंड बनता है, वाटर डिवाइड बना दिया जाता है। ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई ह्यूमन मेड एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट द ह्यूमन मेड फीचर्स, ये सारे नेचुरल फीचर्स है। ठीक है, तो एक वॉटर डिवाइड बना दिया जाता है जो कि बेसिकली बेसिन को डिवाइड कर देता है। एक रिवर बेसिन आपका इधर होगा, एक रिवर बेसिन आपका इधर होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करे हैं। कौन कौन से टर्म डिस्कस करे, ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन एंड वॉटर डिवाइड। यहां से भी आप देख सकते हैं, ये बेसिन नंबर वन, दिस इज योर बेसिन नंबर वन, ये आपका पूरा एक रिवर बेसिन है। ठीक है, ये आपका बेसिन नंबर टू है, और ये दोनों बेसिन जो है एक दूसरे से मिल नहीं जाए। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए आप ही कहते हैं कि बीच में यहाँ पर एक अपलैंड बन जाता है जो कि इन दोनों बेसिन को क्या है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, दोनों बेसिन को ये डिवाइड कर देता है। क्लियर, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की।
ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पे देखिए, डू यू नो दे रखा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ एमेजॉन रिवर. दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कहाँ है? एमेजॉन रिवर में. ठीक है, एमेजॉन रिवर इज फॉर्मिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन. ओके, ये आप फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी रिवर है जो कि लार्जेस्ट बेसिन बनाती है. ठीक है, ये आप फाइंड आउट करके आएंगे. दिस इज योर होमवर्क. ओके, ये आपका होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करके आना है कि दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट बेसिन है दैट इज द एमेजॉन रिवर, एमेजॉन रिवर बेसिन. और इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट बेसिन है, ये आप खुद सर्च करके आएंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ कम टू ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया. अब हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पर. दैट मीन्स कि हम अब हमारी कंट्री में देखेंगे कि कौन कौन से मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, कौन कौन से मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. क्या कह रही है लाइन? जो हमारी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम्स हैं दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हमारी कंट्री के हम फिजियोग्राफिक डिविजन पढ़ के आए हैं, हम फिजिकल फीचर्स पढ़ के आए हैं. तो जो फिजिकल फीचर्स हैं लाइक यू हैव हिमालयन माउंटेन्स, नदन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, ये जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं ये आपके ड्रेनेज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आपके ड्रेनेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, ये आपकी कंट्री है, आपको पता है यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ का पूरा पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है. तो जो भी हमने फिजियोग्राफिक डिविजन पढ़े हैं, यहाँ पर आपका इंडियन डेजर्ट है, ये सारे के सारे फिजियोग्राफिक डिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम्स को डेवलप करने में. ऑलराइट, ओके. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स. तो हम ये देखते हैं कि जो इंडियन रिवर्स हैं उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करा गया है. कौन कौन से दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करा है? देखिए, पहला है हिमालयन रिवर और दूसरा आता है आपका पेनिनसुलर रिवर्स. फर्स्ट हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज योर पेनिनसुलर रिवर. दैट मीन्स कि ऐसी रिवर जिनका ओरिजिन कहाँ से है? हिमालय माउंटेन से है, वो आपकी हिमालयन रिवर्स कहलाएंगी. और ऐसी रिवर जिनका ओरिजिन आपका कहाँ है? पेनिनसुलर प्लेटो पर है, वो आपके पेनिनसुलर रिवर्स कहलाएंगे. ठीक है, ओके. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, हम ये दोनों फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ के आएंगे. हिमालयन माउंटेन्स भी हमने कवर करा है, बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करा, और पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो रीजन है वो भी हमने कवर करा है. तो ये दोनों ही आपके क्या है? अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स है. सो ये लाइन में द लाइन इज बेसिकली सेइंग कि इन दोनों ही फिजियोग्राफिक डिविजन से आपके देखते हैं कि रिवर्स ओरिजिनेट होंगे, लेकिन दोनों फिजियोग्राफिक डिविजन के ओरिजिन ऑफ रिवर्स में बहुत वाइड डिफरेंस है, अ वाइड डिफरेंस एग्जिस्ट. ठीक है, दोनों डिफर करते हैं बेसिकली. जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और आपका जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. लेट्स सी, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर. ये तो सीधी सी बात है, ये आपको पता है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वहां से जो भी रिवर्स आएंगी वो रिवर्स पेरिनियल नेचर की होंगी. पेरिनियल क्यों होंगी? कि हिमालयन माउंटेन्स पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर, ऑल थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखें तो स्नो कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर स्नो है. दैट इज वाई आप देखते हैं कि दे हैव वॉटर थ्रू आउट द ईयर. तो जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं उनके पास आपको हमेशा पानी मिलेगा ऑल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव वॉटर थ्रू आउट द ईयर. पेरिनियल रिवर्स कौन कौन सी होती है? अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन कीजिए पेरिनियल रिवर्स को. से फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन पेरिनियल रिवर. अब कैसे डिफाइन करेंगे पेरिनियल रिवर्स को?
पेरिनियल रिवर्स बेसिकली वो रिवर्स होती हैं जिनमें पानी रहता है ऑल थ्रू आउट द ईयर. एक पेरिनियल रिवर्स होती है और एक आपके सीजनल रिवर्स होती हैं. ठीक है, तो सीजनल रिवर्स कौन सी होंगी? सीजनल रिवर्स वो होती हैं जिनमें पानी थ्रू आउट द ईयर नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है, देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ रिवर्स, एक पेरिनियल रिवर और एक सीजनल रिवर. पेरिनियल रिवर वो रिवर होती है विच कंटेन वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर, आपको हमेशा पूरे साल पानी मिलेगा. वहीं सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें आपको पानी थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता है, तो बेसिकली ड्राई अप है ना. जब आपका मॉनसून आता है तब ये रिवर्स वापस से लाइव हो जाती हैं, इनमें फिर से पानी आ जाता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. तो ये जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? बेसिकली अगर बारिश होती है तो बारिश से भी इनको पानी मिल जाता है. ऑल्सो जो स्नो माउंटेन्स पर है, माउंटेन्स पर आपको पता है स्नो है, तो यहाँ जो भी स्नो होती है वो स्नो क्या है, मेल्ट होती जाती है. और जैसे जैसे मेल्ट होती है तो वो क्या है, रिवर को वाटर प्रोवाइड करवा देती है. ठीक है, द टू मेजर हिमालयन रिवर दैट इज द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. बेसिकली हिमालयन रिवर की दो मेजर कौन कौन सी रिवर्स हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में? देखो, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, तो देखो हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हम दो मेजर रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं. फर्स्ट आपके आती है इंडस रिवर और एक आपके आती है ब्रह्मपुत्र रिवर. दीज आर द टू मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम. ठीक है, वन इज योर इंडस एंड द अदर इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर. ऑल्सो एक और होती है गंगा रिवर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. द टू मेजर हिमालयन रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. तो बेसिकली ये जो दो रिवर है, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये आपके माउंटेन से निकल के आती है, माउंटेन्स को ये क्रॉस करती हुई आई है, माउंटेन्स को इन्होंने कट करा है ना. पानी जो है एक एजेंट होता है इरोजन का, आपने टर्म पढ़ा था इरोजन है ना, तो वाटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है इरोजन का. अगर काफी लंबे समय तक पानी किसी पत्थर पर पड़ेगा या किसी माउंटेन पर पड़ता है तो वो धीरे 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 वो शेप चेंज होती जाती है उसका, है ना. तो अगर आप यहाँ देखें तो ये गॉर्ज बनाने की बात कह रहे हैं. सो वॉट इज अ गॉर्ज? गॉर्ज क्या होता है, बेसिकली एक नैरो वैली होती है विथ स्टीप साइड एंड अ रिवर रनिंग थ्रू इट. बेसिकली इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखो ये एक नैरो वैली है और इस नैरो वैली के बीच में आपको दिख रहा है कि पानी फ्लो करता हुआ जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ गॉर्ज. तो ये पहले पूरा माउंटेन से कवर्ड था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रिवर के फोर्स की वजह से, रिवर के एक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा जो है कट हो जाता है एंड यहाँ पर आप देखते हैं रिवर अपना पाथ बना देती है. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, दैट मीन्स जहां से रिवर्स ओरिजिनेट होकर के आती हैं और जहां पर वो टर्मिनेट होती हैं या एंड होती है, तो जो उनकी जर्नी होती है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन से लेकर के टर्मिनेशन तक, वो बहुत लंबी होती है. बिकॉज वो माउंटेन्स को क्रॉस करके आती हैं, वो माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद में वो इतना लंबा सफर तय करती हैं. अगर आप कंट्री की लोकेशन देखें तो आपको भी पता है कि अल्टीमेटली कहाँ जाके फिर वो गिर रही है, तो दे हैव टू कवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पाथ. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड दे कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड. तो ये बात तो आपको पता है कि जब रिवर्स ऊपर से आती हैं तो अपने साथ में सैंड, सिल्ट
रॉक्स ये सब चीजें अपने साथ में लेकर के आती है, ठीक है। तो जब ये अपने अपर कोर्स में होती है, यानी कि जब रिवर यूथफुल स्टेज में होती है, बिल्कुल ऊपर से आ रही होती है, उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, जब रिवर बिल्कुल माउंटेन से नीचे आ रही होती है ना, उस समय उसकी रिवर की स्पीड बहुत तेज होती है, वो अपने साथ में सैंड, सिल्ट, रॉक्स वगैरह सब लेकर के आती है नीचे। तो जब वो ऊपर से आ रही है, उसकी वेलोसिटी भी बहुत तेज है, दैट इज द अपर कोर्स। तो अपर कोर्स के अंदर आप देखते हैं कि वो इरोशनल एक्टिविटी करती है, यानी कि पानी जितना तेजी से गिरता है, जितना फोर्स से गिरता है, उसकी वजह से वो जो माउंटेन है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, उसका शेप चेंज होने लगता है, ठीक है। वहां पर कट्स बन जाते हैं, कुछ डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जब वो अपने लोअर कोर्स में आ जाती है, तो लोअर कोर्स में वो जो भी अपने साथ में सैंड लाई है, सिल्ट लाई है, या वॉट एवर मटीरियल द रिवर इज एक्चुअली कैरिंग विद इट्स सेल्फ थ्रू आउट इट्स जर्नी, वो सबको यहाँ डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर फॉर्म मियांडर एंड ऑक्सबो लेक एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली आपको एक डायग्राम दे रखा है, फिगर 3.3, ये फिगर देखिए 3.3। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहां से आपके रिवर का ओरिजिन हो रहा है, सोर्स ऑफ रिवर, यहां से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है, फिर ये आपके रिवर का क्या होगा, अपर कोर्स होगा। तो इस अपर कोर्स में रिवर जो है उसकी इरोजनल एक्टिविटी बहुत स्पीडली होती है, यहाँ पर रिवर जो है वो अपने इरोजन की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत स्पीडली करती है, ठीक है, इरोड करती हुई चलती है चीजों को। फिर आप देखते हैं कि मिडिल कोर्स, ये मिडिल कोर्स होता है, तो मिडिल कोर्स में कौन सा फीचर बनता है, मिडिल कोर्स में आप देखते हैं मियांडर्स बनते हैं। मियांडर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, देखिए रिवर लाती है, ये ऐसे कट कर देती है लैंड मास को, लैंड आपका इधर है, रिवर यहाँ से आ रही है, इट इज एक्चुअली कटिंग द लैंड, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये मियांडर्स कहलाते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम एज मियांडर्स, ठीक है। बेसिकली कर्व्स की कर्व क्रिएट कर रही है, देखिए आप अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया है अभी, यहाँ पर द रिवर इज एक्चुअली क्रिएटिंग व्हाट कर्व, तो ये कर्व शेप्ड में आ रही है, ओके। तो रिवर में क्या होता है, बेंड आ रहा है, अगर आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं ध्यान से, जो आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो रिवर में क्या है, कर्व आया है बेसिकली, है ना, रिवर का चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली गेटिंग बेंड। तो ये जो यहाँ पर आपको कर्व दिख रहा है ये मियांडर्स कहलाते हैं। फिर आप देखिए ये ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है, रिवर्स जो है वो ऑक्सबो लेक बनाती है। ऑक्सबो लेक मतलब देखो बिल्कुल यहाँ आपको दिख रहा है, दिस इज द ऑक्सबो लेक, ये क्या है, ऑक्सबो लेक, व्हाट डू यू कॉल इट, जस्ट रिपीट रिपीट कीजिए,